हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इनफो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जियो और एयरटेल के वॉर के बारे में। वैसे तो आपने बहुत बार देखा होगा कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया वगैरह जितना भी कंपनी है वो जियो पे अटैक करती रही है ट्राई के थ्रू। लेकिन अब जियो भी ठान लिया है कि वो भी चुप नहीं बैठेगा। उसने भी ट्राई के थ्रू एक अटैक किया है एयरटेल पे और एक पॉइंट उठाया है बहुत ही अच्छा। तो वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा पॉइंट है, उसमें क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए फ्रेंड्स। और एक बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि टेक रिलेटेड जितना भी अपडेट आता है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एयरटेल जो कंपनी है वो जियो पे हमेशा अटैक करता रहा है ट्राई के थ्रू कि इसका ऑफर अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छा नहीं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। लेकिन अब जियो जो है वो भी अब चुप नहीं बैठा है। एयरटेल का दो प्लान है जिसमें जियो ने खामी निकाला है, और जियो ने कहा है कि इसमें बहुत मतलब कस्टमर के बीच फ़र्क किया जा रहा है। एक कस्टमर जो 2G और 3G के हैं उन पे अलग किया जा रहा है ये ऑफर अप्लाई, और जो 4G के कस्टमर है उन पे अलग अप्लाई किया जा रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये दो जो प्लान है वो क्या है। पहला है 293 का प्लान और दूसरा है 449 का प्लान। दोनों में ही आपको 70 GB डेटा मिलता है 70 दिनों के लिए, और ये जो है इसमें आपको कॉलिंग भी फ्री मिलता है। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ है 4G हैंडसेट जिसके पास है, 4G यूजर के लिए है। लेकिन जो 2G और 3G यूजर हैं उनके लिए ये प्लान नहीं है। अगर वो ये रिचार्ज करते हैं तो उनको क्या मिलता है, आप सुन लीजिए फ्रेंड्स। उनको मिलता है सिर्फ 35 दिनों के लिए 50 MB डेटा, 50 MB, जबकि 4G जो यूजर हैं उनको 1 GB पर डे डेटा आपको मिलेगा 70 दिनों के लिए, 70 GB मतलब समझ लीजिए। तो कितना फर्क है, 50 MB कहाँ और कहाँ 1 GB पर डे। तो इतना ज़्यादा फर्क इसने किया है एयरटेल ने, मतलब चोरी करने का तो आदत जाएगा नहीं इसका, अभी भी आदत सुधरा नहीं है। सिर्फ बाहुबली के साथ कॉपरेशन करके ये निकालो, सिम निकालो, ऑफर निकालो, लेकिन ऑफर भी ढंग का नहीं निकाला। तो अब जियो जो है ट्राई को बोला है कि देखिए इसका रिव्यू करिए, ये चीज़ इसका गलत है और आपका जो ट्राई का जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो फ्रेंड, अब देखने वाली बात है कि ट्राई इस पे क्या एक्शन लेता है। तो यही बात है फ्रेंड्स, यही एक न्यूज़ था जो मैं आपको बताया। तो अटैक तो होते रहता है दोनों तरफ से। जियो ने और एक बात कही है ट्राई से कि उसने मतलब एयरटेल ने ट्राई का जो नियम है 1999 का उसका उल्लंघन किया है, और ये जो ऑफर है ये अलग तरीके से दे रहा है, गुमराह कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट जो कर रहा है उसमें गुमराह कर रहा है ग्राहकों को। तो इसको उसने बोला है कि ये जल्दी से देखिए और इस पर जुर्माना लगाइए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही है फ्रेंड्स, दोनों कंपनी के बीच वॉर तो हो रहा है, अब देखिए क्या होता है। एयरटेल तो सुधरने वाला नहीं है, फिलहाल हम जियो यूज़ कर रहे हैं, सभी जियो यूज़ कर रहे हैं और फ़ायदा भी हमें मिल रहा है, तो हम तो जियो की तरफ हैं। आप किसकी तरफ है बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। चलता हूँ फिर से एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।